और मैं तमाम अतिथिगणों से आग्रह करूंगा कि हमारे हमारे बीच मौजूद है नामकुम प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष, हमारे क्षेत्र के समाज सेवी, सभी को दिलों में रहने वाले दादा प्रेसमिन जी पहुंच चुके हैं। हमारे कमेटी उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। चूंकि शुरुआती क्षणों से हमारे यूट्यूबर बंधु आप दो लोग अंदर चले आए, हमारे अतिथियों का अभी फोटो सेशन होगा। उससे पहले चूंकि हम भारत देश के नागरिक हैं, फोटो सेशन से पहले राष्ट्रीय गान होगी, तो मैं तमाम दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आप सभी को अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे, आप सभी को तमाम दर्शक अपने जगह पर खड़े हो जाएं, क्योंकि अभी बहुत बहुत धन्यवाद है। काफी हंसमुख चेहरे में रहते हैं और हमेशा सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही तमाम दर्शकगणों का और टीम वालों का अगर सपोर्ट रहा तो आने वाला वर्ष हम लोग इससे भी बेहतरीन टूर्नामेंट कराने का घोषणा करते हैं। और साथ ही इस वर्ष नाम तो है येलो स्टार क्लब कुटिया तो, लेकिन खेल रहे हैं डेंजर क्लब चांडिल, और एक छोर पर है नाम बूंदी ब्रदर्स, लेकिन खेल रहे हैं ग्रामीण फुटबॉल अकादमी गुमला। टाटा की नगरी बनेगी चैंपियन या खेल नगरी गुमला, देखना होगा कि कौन सी टीम बनेगी चैंपियन। 2,50,000 रुपया की राशि किनकी झोली में जाती है? अरे तो चलो भाई, तो फिर दोनों टीम कर ले बढ़िया खुशी नगर राशि, और प्लस और एक उपहार है, और हमारे साथ ही टीबीएस सुधा टीबीएस टोटल पैसा हो गया 1500 रुपया। किस्तो मंडा की ओर से 500 रुपये दी जाएगी, दोनों ही तरफ से कोई भी प्लेयर्स गोल करेंगे उनको 500 रुपया उनके खाते में जाएंगे, यानी कि टोटल मनी। दादा आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, दादा आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, चलिए इस बीच में जो भी अतिथि आए हैं सभी अतिथियों का स्वागत के लिए हमारे सिंगरसराय कमेटी की ओर से बालिकाओं के द्वारा बैज पाना करके सम्मानित करेंगे। खिलाड़ी चोटिल नजर आते हुए उप मुखिया श्री सुखलाल मुंडा जी, सुनील फकीरा किच्छप, और हमारे कौन है खिजरी विधानसभा विधायक श्री राजेश कच्छप को हमारे बालिकाओं के द्वारा बैज पाना करके सम्मानित कर रहे हैं, और हमारे पूर्व मान में अभी हमारे मुखिया साहब श्री विवेक मुंडा जी, और हमारे समिति के सदस्य, धन्यवाद
और हमारे बीच में उपस्थित हैं पंचायत समिति सदस्य श्री गुरुसाई मंडल जी को भी बैज पहना करके सम्मानित करें। जितने हर एक दर्शक देखने का मौका मिले। और चलो दर्शक बन खिलाड़ी बन जाओ, आप ध्यान देंगे। 1500 रुपये की राशि तो हो चुकी थी और साथ ही प्राइज में बढ़ोतरी हो चुकी है। कुटियातु के अली महतो जी के द्वारा 1500 रुपये की राशि जो भी प्रथम चलेगा 3000 नहीं बल्कि 3500 रुपया अली महतो जी के द्वारा 2000 रुपया, क्योंकि यकीन है मैदानी गोल करने में बिल्कुल सफल हो जाएंगे। और अगर दोनों ही टीमें गोल नहीं करेंगी तो वो पैसा कमेटी के फंड में चला जाएगा। स्टीफन के पास जाता हुआ बॉल, विजय सिंह मूल के खिलाड़ी शानदार ड्रिब्लिंग के साथ अपने गोल को पकड़ रहे हैं। और मैं तमाम दर्शकगणों को बतला देना चाहता हूं कि पूरे टूर्नामेंट में, और अतिथियों को भी बतला देना चाहता हूं कि पूरे टूर्नामेंट में विदेशी मूल के खिलाड़ी एक नहीं दो नहीं बल्कि 24 विदेशी खिलाड़ी इस ग्राउंड पर इस टूर्नामेंट में इस बार भाग ले चुके हैं। दोनों ही टीमों में दो दो विदेशी खिलाड़ी एक छोर पर है। गुमला की टीम तो बूंदी ब्रदर्स की टीम में है स्टीफन और अब्दुल जो कि विदेशी मूल के खिलाड़ी हैं। वहीं येलो स्टार क्लब कुटियातेव की ओर से है इजराइल, काफी स्मार्टनेस से है, जर्सी नंबर 5 के रूप में खेल रहे हैं मॉरिस। और इस सम्मान हो चुकी है। मैं दोनों ही टीमों से आग्रह करता हूं कि आप दस मिनट खिलाते। इस बीच में हमारे किन की झोली में जाती है प्रथम गोल करने वाले खिलाड़ियों को 3500 रुपये की नगद राशि किक करने के लिए बिल्कुल तैयार जर्सी नंबर 14। प्रथम गोल करने वाले को मिलेगी 3500 रुपये की नगद राशि। तुलसी बहन जी आप भी तैयार रहे 1000 रुपये की राशि पॉकेट से निकालने के लिए। चलिए
कुछ ही देर में हमारे बीच में इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन तौर से बल्कि एक वर्ष निकलना है इस मैदान से 16 है 16 लिखिए यहाँ बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है उसी कड़ी में विगत दिनों हमारी सरकार ने खेल नीति के तहत सीधी नियुक्ति प्रक्रिया को सरल करके जिन लोगों ने राज्य के लिए खेला जिन लोगों ने देश के लिए तकरीबन 90 के दशक में बहुत सारे साथी रेलवे बैंक झारखंड पुलिस दिल्ली पुलिस में खेल के क्षेत्र से सीधी नियुक्ति पाते थे झारखंड बनने के बाद तकरीबन 22 वर्षों तक यह नीति बंद रहा हमारी सरकार ने खेल नीति में सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल करते हुए आपके लिए यह व्यवस्था कराया है कि आप अगर खेल के क्षेत्र में अगर अपना करियर को बनाना चाहते हैं तो सरकार आपके साथ खड़ी है। निश्चित तौर से हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है क्योंकि नौजवानों ने चाहे लड़के हो या लड़कियां हो पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो विश्व स्तर पर झारखंड प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं समझता हूँ किस यहाँ पे खेल मैं समझता हूँ कि उनमें भी वो क्षमता और उनमें भी वो खेलने का हुनर है। मैं आप तमाम लोगों के लिए अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामना रखता हूँ कि आप खेल के क्षेत्र में भी राज्य का जिला का और देश का नाम रोशन करें। आप यहाँ पे हर वर्ष बुलाते हैं हर वर्ष आता हूँ निश्चित तौर से आपका यह प्रेम हमेशा बना रहेगा। आने वाले दिनों में यह खेल दिन दुनी रात चौगुनी और इस मैदान का नाम पूरे प्रदेश में इसका नाम रोशन हो ऐसी कामना करता हूँ। क्योंकि एक विशेष कार्य से जाना पड़ रहा है नतीजा है मैं आपको तमाम दर्शक बंधुओं से केवल यह अपील करना चाहता हूँ आयोजक मंडली तभी खेल को सुचारू रूप से खिला सकते हैं जब खिलाड़ियों के बीच और दर्शकों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो जहां शांति पूर्वक कोई भी कार्यक्रम संपन्न होता है तो उस कार्यक्रम के लिए हौसला लोगों को मिलता है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भी दोनों स्वस्थ रहे ऐसी कामना करते हुए आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जोहर बहुत बहुत कोई भी दर्शकगण ग्राउंड के अंदर कुछ नहीं करेंगे ठीक चल गया चल गया ठीक इधर वाले पोस्ट से बाहर आइए आप लोग अनुशासन का परिचय दे कमेटी मेंबर्स आप उस स्पोर्ट्स बोर्ड के सामने जो भी दर्शक अंदर हो उनसे बाहर करें बैठ जा जैसा कि मैं थोड़ा सा जल्दी हुआ है पर भी कल से सायरन की आवाज सुन पा रहा हूँ हमारे बीच धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ में पधार रहे हैं झारखंड साथी केंद्रीय पूर्व केंद्रीय जनजातीय विकास कल्याण मंत्री और साथी हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी हमारे बीच में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हमारे पारंपरिक झारखंडी मुंडा सभ्यता के संस्कृति के साथ में हमारे बीच पधार रहे हैं आज के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय जनजातीय विकास कल्याण मंत्री साथ ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी पधार रहे हैं हमारे झारखंड की पारंपरिक संस्कृति मुंडा संस्कृति के साथ में स्वागत करते हुए धीरे धीरे हमारे मंच की ओर लाया जा रहा है। हमारे कमेटी के मेंबर्स रास्ता क्लियर करेंगे चूंकि हमारे बीच में पहुंच रहे हैं आज के मुख्य अतिथि कमेटी के मेंबर्स आप दर्शक थोड़ा रास्ता बना देंगे कमेटी के मेंबर्स आप रास्ता बनाइए चूंकि हमारे आज के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय जनजातीय विकास कल्याण मंत्री साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हमारे बीच पधार रहे हैं झारखंड के श्री अर्जुन मुंडा जी ट्राइब्रेकर के माध्यम से निर्णय लिया जा रहा है कि कौन सी टीम जा। 3 दिवसीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता के विजेता बनने में सफल हो पाते हैं। पांचवे में क्लियर हो जाए यार
कुदरत जो दिखता है तुम कहा बोलोगे रांची फुटबॉल? हम बड़ा आदमी हमारे बीच में सिंगल सराय के मशहूर फुटबॉलर जो कि अब हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय वासुदेव मुंडा, उनके नाम से आने वाला वर्ष से इस टूर्नामेंट का नाम हम कमेटी वालों ने कराने की घोषणा की है। यानी आने वाला वर्ष से इस टूर्नामेंट का नाम रहेगा स्वर्गीय वासुदेव मुंडा स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट। और ऐसा ही आप तमाम दर्शक बनोगा प्यार भरा सपोर्ट रहा तो हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन टूर्नामेंट करने में कोशिश करेंगे। और इस तरह से हमारे बीच पधार चुके हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री साथी पूर्व केंद्रीय जनजातीय विकास कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी पहुंच चुके हैं। हमारी कमेटी इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। साथ ही मैं देख पा रहा हूं लालखंड का पंचायत के पूर्व मुखिया बड़े भाई रितेश राज भी पहुंच चुके हैं। और साथ ही पारंपरिक झारखंडी सभ्यता के साथ में झारखंडी मुंडा संस्कृति की सभ्यता के साथ में धीरे धीरे कमेटी के मंच तक हमारे आज के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय जनजातीय विकास कल्याण मंत्री साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के में रह चुके हैं हमारे बीच में माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी धीरे धीरे हमारे कमेटी की ओर पधार रहे हैं। हमारी कमेटी उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। मुंडा सभ्यता की संस्कृति के साथ में धीरे धीरे कदमों से पधार रहे हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा यानी कि अंधेरे में ट्राई मेकर के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा। बेहतरीन बचाव बूंदी ब्रदर्स की टीम की ओर से अंधेरा होगा
यहां पास तो अभी इधियां आते हैं हां तो यहां आता हूं इधियां आए नहीं देखो फिर हमसे नहीं पावे टटटा चैंपियन बन चुके हैं बुंदी ब्रदर्स की टीम। बुंदी ब्रदर्स की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के चैंपियन बनने में सफल हो चुके।